काश अमित शाह जी 47 में होते तो देखते आप क्या करते। तकसीम के बाद जब लाखों लोग इधर से उधर हुए और तब अमित शाह जी की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही थी, पितृ संस्था, वो भी हम वाकिफ हैं। इतिहास के महानायकों के बारे में बौनी शब्दावली का प्रयोग उचित नहीं है, मैंने सदन के अंदर भी कहा है। आप इत्तफाक ना रखते हूं, लेकिन आप अभी मैं पढ़ रहा हूं गांधी ने क्या चिट्ठियां लिखी थी 47 के बाद, मैं चिट्ठियां दिखाऊं, लास्ट फेज ऑफ महात्मा प्यारेलाल जी की चिट्ठी पढ़ दूं ना तो संघ के लोगों के होश फाकता हो जाएंगे, जो महात्मा गांधी की चिट्ठियां थी। इतिहास को हमें देखना चाहिए एक समग्रता में। इस तरह के छोटे ज्ञान से, अधूरे अर्ध सत्य से आप ना इतिहास का भला कर रहे हैं ना वर्तमान का, और भविष्य को तो खैर आप क्या कर रहे हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। हिंदुस्तान को डिवाइड होने की जो कुछ थियरी है ना, सबसे पहले जिन्ना और सावरकर की है, अमित शाह जी को पढ़ना चाहिए या लोगों से पूछना चाहिए। आप गृह मंत्री हैं देश के, उसी पद पे हैं जिस पद पर एक बार एक समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और लाख आप कोशिश कर लें सरदार और पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक दूसरे के खिलाफ करने की, जो सारे खत पब्लिक डोमेन में है ना वो अलग चीजें बयां करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स का एक ये भी मतलब होता है कि जब मेरे मुल्क की सरकार मेजॉरिटेरियनिज्म की आंधी में कुछ ऐसे निर्णय लेना तो सरकार को आगाह करना। हमने क्या किया था, जयप्रकाश जी की चिट्ठी मैंने सुनाई थी सदन में। अमित शाह जी से अभी भी आग्रह करूंगा कि 56 और 66 की लिखी वो दोनों चिट्ठियों को पढ़ें, शायद कश्मीर के मामले पर अभी भी वो कुछ कोर्स करेक्शन कर पाए ताकि लोगों को रेस्टोर किया जा सके।